वेलकम बहनों, आज आपका फिर से स्वागत है वॉइस ऑफ जैसलमेर अन्नपूर्णा पाकशाला। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कैर और काजू की सब्जी, जिसके लिए हमें चाहिए एक प्याला कैर भीगे हुए हैं, आधा प्याला काजू वो भी हमने भिगो के रखा है, एक प्याला दही, दो बड़े चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई। अब हम इसमें घी डाल देंगे, जो हमने दो चम्मच घी लिया है। हमारा घी गर्म हो रहा है, तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो हम एक बर्तन लेंगे, एक कपड़ा लेंगे, ऐसा साफ कॉटन का कपड़ा, जिसमें हम दही डाल देंगे और उसको छान लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो हमने दही को छान लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर दो चम्मच। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। हमारा घी भी गर्म हो गया है। ये देखिए, एकदम अच्छे से हो गया। हमारा घी गर्म हो गया है, हम देख लेते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग। अब हम इसमें कैर डाल देंगे। हम आंच को थोड़ा धीमे कर देंगे, 5 मिनट के लिए पकने देंगे कैर को। हम 5 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे। तो आइए अब हम इसको देख लेते हैं। हमारे कैर अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे। काजू ये पहले से ही भीगे हुए हैं, इसको पकाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। तो हमारे कैर और काजू की सब्जी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें
आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। आप अगर मीठा खाना चाहे तो इसमें थोड़ी शक्कर ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे केयर और काजू की सब्जी बनके तैयार हो गई। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपनी सब्जी को सर्व करेंगे। हमारे केयर और काजू की सब्जी बनके तैयार हो गई। ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वॉइस ऑफ जैसलमेर। धन्यवाद।